नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री। खास तौर पे हमारे पास हमेशा हमारे जो चैनल को देखने वाले जो दर्शक लोग हैं उनका फोन आता रहता है और वो अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि क्या कारण है कि सब कुछ अच्छा होते हुए मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, सब कुछ बढ़िया है, सुंदर है, सुशील है, लेकिन उसके बावजूद भी शादी में विलम्ब हो रहा है। कौन से ऐसे ग्रह के कारण से शादी में विलम्ब होता है? बहुत सारे लोगों का कहना है, जैसे कि लोग कहते हैं कि मांगलिक होने से शादी में विलंब होता है, लेकिन आपको ये बता दें कि कुंडली के अंदर अगर शनि की युक्ति ठीक नहीं है, शनि सप्तम को देख रहा है या सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे भी लड़का हो या लड़की हो उनकी भी शादी में विलंब करवाता है, यानी देर करवाता है, और देर में उनकी शादी होती है। क्योंकि यहाँ पर अगर उनको घर मिलेगा तो वर नहीं और वर मिलेगा तो घर नहीं, ऐसे में पढ़ लिख करके बहुत अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, लेकिन दिक्कतें कहाँ पड़ जाती हैं कि उनकी सही समय पर शादी नहीं हो पाती है। 36 साल, 38 साल, 40 साल तक उम्र की लड़कियां बैठी हुई हैं और उनको शादी नहीं हो पा रहा है, जबकि देखने में सब कुछ बढ़िया है फिर भी रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्या करें, क्या उपाय करें, क्या पूजा करें, क्या पाठ करें कि जिसके कारण से जो ये शादी में विलंब आ रहा है ये शीघ्र यानी जल्द से जल्द शादी हो जावे और उनका गृहस्थ जीवन जो है सुखमय रहे। क्योंकि जब भी सप्तम भाव में या लग्न में जिनके शनि बैठ जाता है, जब वो सप्तम भाव को देखता है तो वहाँ पर क्या होता है कि पत्नी के साथ एक वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है और उससे क्या होता है कि दोनों का विचार नहीं मिल पाता है और विचार ना मिलने के कारण से जो है उनके जीवन में छोटे छोटे बड़ी समस्याएं होती हैं। देखिए क्या होता है कि रोज रोज की समस्याएं जो होती हैं, रोज रोज की जो दिक्कतें होती हैं वो इंसान को बहुत दुख देता है। एक दिन का हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे में अगर शनि सप्तम भाव में या लग्न भाव में बैठा हुआ है और शादी में विलंब करवा रहा है, तो सबसे पहला नंबर क्या है कि व्यक्ति को चाहिए कि शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करे। यानी शनि जो होता है तिल, तेल, लोहा, इसके बाद जो है मतलब साइकिल, इसके बाद जो है भैंस इत्यादि, इनका सबका दान किया जाता है अगर यहाँ पर जो है शनि की युक्ति ठीक ना हो। या इंसान को जो है शनि का पूजन करना चाहिए। पूजन में जैसे शनि चालीसा का पाठ या शनि के मंत्रों का जाप या फिर दशरथ कृत स्त्रोत्र, शनि दशरथ कृत स्त्रोत्र का पाठ करना चाहिए। क्योंकि और साथ में क्या होता है कि इंसान को अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो उनके शादी में दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। उसके साथ साथ में आपने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी चीज़ें नहीं समय पर हो पाती हैं, वो दिक्कत पैदा कर देता है, समस्या खड़ा कर देता है। तो ऐसे में क्या है कि व्यक्ति को जो है शनि का उपाय जरूर करना चाहिए। अगर शनि का उपाय करते हैं, शनि का पूजन पाठ इत्यादि अगर हो रहा है, कर रहे हैं, तो फिर उनको शादी में कोई भी विलंब नहीं होगा और सही समय पर उनकी शादी हो जाएगी। दूसरा क्या है, एक छोटा सा उपाय है, लेकिन ये उपाय इस तरीके का है कि ये देखने में छोटा है लेकिन इसको करके बहुत सारे लड़का और लड़कियों की बहुत अच्छे जगह पर शादी हो गई है और आज उनका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही सुखमय और बहुत अच्छा चल रहा है। करना क्या है, किसी भी शुक्रवार के दिन 7 छुहारे को पानी में उबालना है और उबालने के बाद में उनको वैसे ही पतीले के अंदर छोड़ देना है। शनिवार के दिन वो छुहारों को निकाल लें और जो पानी बचा हुआ है उसे किसी पेड़ में डाल दें। छुहारे को लेकर के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, यानी बहते हुए जल में फेंक दें उसको। और फेंकते समय अपने मन में ऐसा सोचना चाहिए कि हे शनिदेव महाराज, मेरी जो शादी में विलंब हो रहा है, जो शादी नहीं हो पा रही है, ये जल्द से जल्द मेरी शादी हो जावे और जो भी मेरी समस्या है इसका समाधान हो जाए। ऐसा मन में सोचते हुए, संकल्प करते हुए और उन चुहारों को बहते हुए जल में फेंक देना चाहिए। ऐसा आपको कम से कम 7-11 शनिवार करना चाहिए। अगर आप ये 7-11 शनिवार कर देते हैं तो जो शादी से संबंधित दिक्कत आ रही है, जो रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, वो रिश्ते दूर हो, मतलब वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरा क्या करना है कि कभी भी जब भी स्नान करें तो आपको
बाल्टी में पानी भर लें और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल करके और स्नान करें। अब जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का कहते हैं कि हम बाल्टी से नहीं, हम फुहारे से नहाते हैं, तो उसमें कैसे क्या किया जाए। तो आपको क्या है कि थोड़ा सा हल्दी आप जो हैं किसी भी बर्तन में रख लें और उसमें पानी डाल करके उसका एक पेस्ट बना लें, और नहाते समय आप थोड़ा सा अपने चेहरे पे एक दो जगह और उसके बाद में हाथ में ऐसे अंगों में थोड़ा थोड़ा सा लगा करके उसके बाद फुहारे के नीचे जो हैं आप अपने शरीर को मलमल के स्नान कर लीजिए। जब आप स्नान करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो हल्दी जो है वो आपके शरीर के अंदर वो फैल जाएगी, और उससे क्या होगा कि आपकी शादी में जो आ रही रुकावटें वो दूर हो जाएंगी। तो जैसे कि देखा कि ये छोटी छोटी जो उपाय होते हैं मानव जीवन में, इसे करने से इंसान को बहुत फायदा मिलता है। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में शादी हो गई है लेकिन उनके सप्तम भाव में शनि बैठा है और वैवाहिक जीवन को लेकर के वो डिस्टर्ब रहते हैं, यानी उनके यहाँ पर वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता रहता है और पति पत्नी का पटता नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि व्यक्ति को सुबेरे सो कर उठे, नहा धो करके स्नान इत्यादि करने के बाद में उनको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, और ऐसे मंदिर में दर्शन करने जाओ जहाँ शिव का पूरा परिवार हो, यानी शिव जी हों, गणेश जी हों, कार्तिकेय हों, माँ पार्वती हों, नंदी हों, ऐसा मंदिर हो। और जो आपकी समस्या है आप नंदी भगवान जो बाहर बैठे होते हैं उनके कान में आप अपनी समस्या कहिए। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, थोड़ा सा भी पूजा पाठ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं, जो वैवाहिक जीवन को लेकर के आ रहा है, वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि पंचम भाव में बैठा हुआ शनि, क्योंकि जहाँ शनि बैठता है वहाँ से तृतीय दृष्टि देखता है, अगर पंचम भाव में बैठा हुआ शनि है तो वो क्या करता है कि सप्तम भाव को देखता है, यानी सप्तम भाव भी शादी का भाव होता है लेकिन पंचम भाव पुरुष की कुंडली में वहाँ से उसके मनोरंजन, पुत्र, डाइजेशन, विद्या, इन सब का विचार होता है। कई बार वहाँ शनि बैठ करके अगर उसकी स्थिति ठीक नहीं है, नीच का है, शत्रु क्षेत्री है, या जो है किसी ग्रह से पीड़ित है, तो वो क्या करता है कि संतत्व देने में असमर्थ हो जाता है, और वहाँ पर क्या होता है कि संतान प्राप्ति के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं और दत्तक पुत्र जैसा योग बना देता है, यानी गोद लिया हुआ बच्चा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो दौड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तरह तरह के उपाय करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जो है बच्चा पैदा होने में असमर्थता हो जाती है। ऐसे में क्या है कि वहाँ पर बैठा हुआ शनि की युक्ति देखते हुए शनि से संबंधित चीज़ों का उपाय करें, यानी दान पुण्य करें और शनि मार का व्रत करें, और एक तेल मतलब एक कढ़ाई लोहे का ले करके शनिवार के दिन, और उसमें सरसों का तेल डाल करके उसमें थोड़ा सा जो है उड़द भी डाल दीजिए, थोड़ा सा तिल डाल दीजिए, ये सब डाल करके, और अगर हो सके तो माही डालें उसके अंदर डाल करके, और उसके अंदर आप जो हैं देखें, उसको कहते हैं छायादान, देखने के बाद आप वहाँ से हट जाएं, और जब भी कोई शनि मांगने वाला आता है शनिवार को तो आप कढ़ाई समेत उस तेल का दान कर दें। उससे क्या होगा कि जो आपको पंचम भाव में बैठा हुआ शनि जो संतत्व प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करता है, वो इस तरीके से छायादान कर देने से, शनि से संबंधित चीज़ों का उपाय कर लेने से, ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, यानी संतत्व की प्राप्ति होती है। वैसे देखा जावे तो हम अपने प्रोग्राम में कई बार कहे हैं कि 10 पुत्र के बराबर अकेली कन्या होती है, ऐसा शास्त्रों में हमारे वर्णन है, क्योंकि पुत्र का को कभी दान नहीं दिया जाता लेकिन कन्या को दान किया जाता है, इसलिए 10 पुत्र के बराबर कन्या होती है। तो संत कोई भी हो, कन्या पुत्र जो भी हैं, वो मतलब उनको जो संतत्व प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें उनकी दूर हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे जो उपाय होते हैं ये हमारे जीवन में कई बार बहुत सारे दिक्कतें पैदा कर देते हैं, हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं और हमें समझ में नहीं आता हमको करना क्या चाहिए। तो किसी विद्वान ज्योतिषी को आप अपनी कुंडली दिखा करके और उसको जो वो बता रहे हैं, जिन ग्रहों की दिक्कतें चल रही हैं, जो कारण है उसका निवारण करें। अगर आप उसका निवारण करते हैं सही समय पर, सही वक्त पे, तो आपको उसका जो एक तरीके से फल है वो आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। तो इसलिए जब भी कोई परेशानी आवे, जिस तरीके से जब हमको बुखार, जुखाम, सर्दी या हमें किसी भी प्रकार से शारीरिक कष्ट होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं,
इसी तरीके से जब भी आपको कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो अगर आपका जन्म समय तारीख है तो किसी विद्वान व्यक्ति से एक बार कुंडली दिखा करके और अपने आप में जाने कि हमें क्या समस्या है और इसका समाधान क्या है। उस प्रकार से जिस प्रकार से समस्या है उसी प्रकार का अगर आप समाधान करेंगे तो आपको समस्या से निजात मिल जाएगा। तो खास तौर पे सही समय पर सही चीजें करना चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो कुंडली के अंदर जो हमारे नौ ग्रह हैं, नौ ग्रह में से एक ग्रह शनि है। शनि के नाम पर लोगों ने बहुत बड़ी भ्रांति पैदा कर रखा है, लेकिन शनि कभी किसी को नाजायज नहीं परेशान करता है, क्योंकि शनि कुंडली में जो है कर्म भाव का स्वामी है। जैसा कर्म व्यक्ति करता है वैसा वो फल देता है। जब भी आपने कोई गलत काम किया है तो जब भी शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी आपके ऊपर आएगी, या शनि का महादशा या अंतरदशा प्रत्यंतर जब भी आएगा तो आपको दंड जरूर देगा। क्योंकि देखिए, जब भी शनि की महादशा आती है, शनि कितना बढ़िया हमारी कुंडली में क्यों ना बैठा रहे, लेकिन शनि में शनि जब तक रहता है तब तक वो हमारे लिए एक नया नवीन मार्ग प्रशस्त करता है। यानी हमको 3 साल तक वो जो है इस तरीके से हमको जो है वो दौड़ाता है, इस तरीके से हमको वो करता है कि ताकि जीवन में कभी भी हम कहीं किसी भी चीज़ से मार ना खा जाएं। और हमेशा वो जो है प्रैक्टिकल चीज़ें करता है, क्योंकि शनि बिना संघर्ष का शनि, बिना कर्म किए हुए शनि कोई चीज़ देता नहीं है। जब तक आप कर्म बढ़िया नहीं करेंगे तब तक आपको वो अच्छा फल नहीं देगा। इसलिए जब भी शनि की साढ़े साथी चल रही हो, शनि की महादशा चल रहा हो, तब व्यक्ति को अपने कर्मों पर खास ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति के द्वारा कभी किसी को कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट ना मिले। और खास तौर पे उनको भूखे को भोजन जरूर कराएं, निर्वस्त्र को वस्त्र दें, यानी समाज का कार्य ऐसा करें, लोगों की मदद करें। और खास तौर पे कभी भी अगर आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, आप वहां पर जो है आपका किसी भी वर्कर को अगर आपके चोट चपेट लग जाए, बुखार हो जावे, कोई दिक्कत आ जाए, तो सबसे पहला नंबर वहां का जो चेयरमैन है उनका धर्म है कि वो अपने लेबर का अपने बेटे की तरह ध्यान रखे और उनकी हर जरूरत की चीजों को पूरा करे। क्यों? क्योंकि जो लेबर हमारे होते हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, वो शनि के तहत आते हैं। इसलिए अगर हमारा शनि प्रसन्न है, अगर शनि हमारा हमारे फेवर में है, तो हमारे कर्म गलत नहीं हो सकते और हमको कभी भी जीवन में डिमोशन जैसी चीजें नहीं झेलना पड़ेगा। यानी हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले जाएंगे। जहां मालिक के द्वारा वर्कर प्रताड़ित किए जाते हैं या वो परेशान किए जाते हैं, ऐसे मालिक अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाता और लाख प्रयास करने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। तो इसलिए खास तौर पर ध्यान रखें कि हमारी प्रतिष्ठान पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा वर्कर किसी चीजों से पीड़ित है या उनको कोई दिक्कत है। आप उनकी सेवा करें, हो सके आपकी शनि की महादशा चल रही है या शनि या ढैया चल रहा है या साढ़े साथी चल रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए कि शनिवार के दिन अगर आपको अपने स्टाफ को जैसे कुछ मतलब जो है मिर्च मसाले वाली चीजें, जैसे कचौड़ी पकौड़ी, इसके बाद में जो है समोसे इत्यादि, कुछ ऐसी चीजें वहां जरूर बंटवा देना चाहिए अपने वर्करों के बीच में। क्योंकि देखिए, दान बाहर जब ही दिया जा सकता है जब अपना परिवार खुशहाल होगा। सबसे पहले अपने वर्कर्स का ध्यान रखें, उनके जरूरत की चीजों को ध्यान रखें। तो अगर ये चीजें आप ध्यान में रखते हैं और अपनी माता की सेवा करते हैं, तो आपको कभी भी ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। और जो भी छोटी छोटी समस्याएं चल रही हैं, शादी को लेकर, ब्याह को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर के, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि टीएनपी न्यूज के माध्यम से हम हमेशा आपको नई नई जानकारियां देते रहते हैं, आगे भी ऐसे हम आपको देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि कारण है तो उसका निवारण क्या है और कैसे आप अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं। लेकिन एक ग्रह की स्थिति को देखते हुए कभी भी कुंडली का कोई रिपोर्ट नहीं दिया जा सकता, इसलिए कुंडली दिखा करके ही जो है आपका क्या कारण है और उसका निवारण क्या है वो सामने निकल के आता है। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूं, आगे भी बताते रहेंगे। देखते रहिए टीएनपी न्यूज। अब हमको दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।